सो गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता आज तक आपने हमारी कोई भी वीडियो देखी है या नहीं देखी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग चैनल पे पहली बार भी आए हो, लेकिन ये वाली वीडियो कुछ अलग है भाई साहब। अपने SMP एरा का लास्ट एपिसोड होने वाला है और क्या ही खतरनाक है, बनाने में बहुत टाइम लगा है, एक बार जरूर देखना, बिल्कुल पसंद आएगा। तो लास्ट वाली वीडियो से शुरू करते हैं एंड तक और फिर आप देखना क्या पर जनरल की मैं कब्र बनाऊंगा यहीं पर। जनरल बस नहीं वाला, जनरल तू क्या सोच रहा है, बच जाएगा, घर से उठा लूंगा तुझे। अबे तुझे किसने उठा लिया, जनरल को तो उठा लेंगे मिलके, और ये क्या आ गया भाई जनरल। भाई और जैसा कि आपको बताया कि अपना शिवा यार किडनैप हो चुका, तो उसको ढूंढते ढूंढते पूरा वर्ल्ड छान मारा, पिछले एक महीने से सिर्फ उसको ढूंढ रहा हूँ, और ये कुछ एक दो जगह और बची हैं जहाँ पे अपन लोगों ने नहीं ढूंढा है, तो फिलहाल को ढूंढते हैं। तो काफ़ी देर हो गई भाई साहब इधर को, और काफ़ी देर इधर उधर सोचने के बाद मैंने देखा भाई यहाँ पे सभी पेड़ कुछ एक जैसे लग रहे हैं, मतलब लेकिन एक पेड़ बिल्कुल अलग है, वो है ये ओक वाला पेड़ है, और इसके ऊपर ये मतलब कुछ कह सकते हैं, क्या ही बोले आप लोग समझ गए, ये बेल वगैरह भी हैं। तो अरे एक सेकंड, ये भाई बिल्कुल अपना शक सही निकला मित्रों, कुछ तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकंड, अरे ये कौन से वर्ल्ड का दरवाज़ा खुल गया, और ये बिल्ली ने रास्ता काट दिया भाई। पहले गोल्डन एप्पल खा लेते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है, आगे अपनी मौत हो सकती है, जर्नल के रूप में उसके पहरेदार भी हो सकते हैं, लेकिन देखी जाएगी भाई। नाश तो हो लिया, और एक सेकंड भाई, ये साइंटिस्ट यहाँ पे क्या करें, इनके बारे में मैंने कहानियों में कुछ पढ़ा था, ये सच में होते हैं क्या। एक सेकंड कल्लू चलो, अरे अरे जीवा, मुझे पिछले कितने दिनों से तेरा इंतजार था जीवा। अब इंतजार तो जनरल के घर वाले उसका करते रहेंगे भाई, एक सेकंड रुक, तुझे आजाद करा देता हूँ भाई। जीवा तुझे पता नहीं उस जनरल ने कितने मतलब मेरे साथ जुर्म डाए हैं यार, जेल में बंद कर रखा है और गोल्डन एप्पल खाए हुए, मतलब खाना भी नहीं देता था भाई वो जनरल मुझे। उस जनरल की मौत मेरे हाथों लिखी है जीवा। अरे पहले यहाँ पे चल क्या रहा है, ये कहानियों वाले साइंटिस्ट सच में कैसे, अरे बहुत खतरनाक चीज है। सबसे पहले मेरे को मेरा सामान लेने दे भाई, यहाँ पे उस जनरल ने मेरा सामान रख दिया था। ये कहानी बहुत सालों पुरानी जीवा, ये मैं तुझे आराम से बताता हूँ। सबसे पहले मुझे आर्मर पहने दे, और सबसे पहले इस खतरनाक जगह से निकल, क्योंकि यहाँ पे जनरल कभी भी आ सकता है, और वो अकेला नहीं अपनी पूरी फौज के साथ आता है। अरे भाई इतने दिनों में यहाँ पे क्या हो गया, कुछ मतलब तो डराने वाले काम भाई, मैं मेरे को और जनरल को मारने का रास्ता भी पता चल चुका है। और ये कैसे से साइंटिस्ट है भाई, बहुत भाई पहुंचे लेवल के साइंटिस्ट है, और मैंने इनसे पूछ भी लिया कि जनरल का खात्मा कैसे हो सकता है। और ये संतरी का भतीजा, हाँ यही इनका सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, और जनरल ने इनको पकड़ रखा है क्योंकि जनरल अपने देश का आतंकवादी है, वो दूसरे देश के साथ मिला हुआ है और अपने देश को बेचना चाहता है। अरे भाई ये तो तू सस्पेंस क्यों बढ़ाता जा रहा है, ये डर लग रहा है भाई, इधर से भाई, मैं निकल रहा हूं, जल्दी मैंने जो देखा पिछले दिनों में तुझे बता नहीं सकता भाई, तो चल जल्दी आ और मेरे साथ चल, मैं बताता हूँ कि जनरल को कैसे मारा जा सकता है। एक जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत खतरनाक लेवल के हथियार है, जल्दी से वापस चलते हैं, मैंने इन संतरी जी के भतीजे से पूछ लिया है, चलते हैं। पूरे दिन से चल रहे हैं, रात होगी, कहाँ पे लेके आ गया। अरे जीवा सामने रोशनी दिख रही है क्या, इधर जनरल है क्या भाई, इधर ही चलना है, इधर जनरल को मारने के हथियार है, और तू देखता रह जाएगा, इतने खतरनाक हथियार है। अबे ये क्या है, खाले विच डांग खड़ के चक्को, खाले विच डांग खड़ के उधर हो गई लड़ाई भारी, अर्जुन वैली ने हो, अर्जुन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी, अर्जुन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। ये क्या सिस्टम था, फिल्मों वाला सीन हो गया भाई, लेकिन यहाँ पे कुछ और मिलने वाला था, मिल कुछ और गया भाई, सबसे पहले उन गद्दारों के पास चल यार, लेकिन अपने देश के साइंटिस्ट होके कुछ ऐसा किया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने अपने को धोखा कैसे दिया। चल उनके पास चल भाई, अपने धनों पे जल्दी चलते हैं, चल जल्दी चल जीवा, मुझे चल भाई, और अब उनको मैं मार डालूंगा, उनको कोई नहीं बचा सकता। जीवा आराम से, अरे मतलब यार ये क्या यार, अरे
अरे संतरी, ओ संतरी का भतीजा, इधर देख बे नल्ला आदमी। अबे क्या बात करे, रुक मुझे जा भी रुक जा भाई, बताना। मेरे को उसके समझने दे, एक जा रहा है, रुक जा भाई। अच्छा ठीक है जी, अब मेरे को सब कुछ समझ में आ चुका है। अबे मतलब कुछ अरे मुझे भाई, भी इतने समझा। दिनों तक मैं रहा हूं, उनकी भाषा समझ चुका अरे हूँ। जल्दी बता। जीवा ये कह रहा है कि अपन इनको पहले से पता था, मतलब इन्होंने ये थ्योरी निकाल रही थी, मतलब कुछ भी रिसर्च करके इन्होंने पता लगा लिया था कि दो ऐसे बंदे आएंगे जो जनरल का खात्मा कर देंगे। अबे ये बिल्कुल वो लग रहा है और हाँ यार। भाई, फिल्मों जैसा सीन है मुझे पता है, बट क्या करे। और इन्होंने कहा है कि ये अपनी परीक्षा ले रहे थे कि अगर अपन टूट जाते तो इन ज़ॉम्बियों में टूट जाते, और अगर इन ज़ॉम्बियों को मार देते तो जनरल के मारने के लायक है अपन लोग, तो चलते हैं। इन्होंने मुझे वो लोकेशन भी दे दिया जहाँ असली वेपन है। गाइस तमाम मुश्किलों को पार करते हुए पूरे 2 दिन के बाद हम लोग इधर पहुंच चुके हैं। अरे जीवा, पहुंच गया क्या अरे तू? हाँ भाई मैं पहुंच गया, तू किधर है? अरे आ गया, बस एक सेकंड, आ रहा हूँ। ये आ गया देख। अरे जल्दी आ यार, ऐसे कैसे आ रहा है हाँ, तू? इधर ही मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, वेपन इधर ही हो गए। अरे अबे ये क्या है, तू कैसे जनरल को मारेगा भाई? अबे जनरल की बात मत कर, अभी तू अंदर चल के देख। तेरे शहर कम दे अगड़ी नीवी जी करा के भाई इंची दे पवा के, शहर कम देनी तेरे शहर कम दे अगड़ी नीवी जी करा के भाई इंची दे पवा के। अरे भाई ये तो दिखने में ही खतरनाक लग रहे हैं। अरे खतरनाक तो है, तू जल्दी से पहन ही ले, और यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है। और मेरे पास एक बहुत बड़ा राज भी है, लेकिन वो तेरे को बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो राज मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। तो अरे चल भाई जल्दी ऐसी शहर क्या में बात पहन। है, मुझे बताना। अरे समझा कर जीवा, वो उसके लिए मुझे ही लड़ना पड़ेगा। तो चल चल भाई जल्दी से, जल्दी यहां से निकल, यहां पे रहने का कोई फायदा नहीं है, तू ठीक कह रहा है। जल्दी आ जा भाई, क्योंकि यहाँ पे भी जनरल कभी भी आ सकता है। वो मतलब अपने सारे ठिकानों पे फिरता रहता है, देखने की कोई उसके राज्य में कोई उससे बगावत तो नहीं कर रहा है। भाई ये बगावत अपने को वो फांसी तोड़ देगा मुझे लगता है, तो इसलिए अपने को जल्दी से भागना पड़ेगा। तू अरे जल्दी तुझे निकल, पता नहीं है वो कितना अपन दोनों अलग डेंजर अलग आदमी रास्ते से है। जाएंगे। तू एयर बाय एयर जा, मैं बाय वाटर जा रहा हूँ, जल्दी क्या पता चल, कोई देख ना ले। तो तो ठीक है। भाई अपन लोग जैसे तैसे वहां से निकल के आ चुके थे, और अभी पता नहीं अपने को शिवा को भी ढूंढना पड़ेगा। वो बाय एयर गया, अपने अड्डे पे चलते हैं, वहीं पे अपन लोग दोनों मिलेंगे। और एक ट्विस्ट कह रहा था भाई, वो ट्विस्ट मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या। भाई जो शिवा छुपाने की कोशिश कर रहा है वो अपने को जाननी ही होगी। वाह ऐसे क्यों देख रहा भाई, क्या बात है, वो ट्विस्ट बता दे मुझे। जीवा वो ट्विस्ट ये है कि मैं अभी भी जनरल को उड़ा सकता हूँ 1 मिनट के अंदर। वो कैसे? मुझे पता है कि उसका हार्ट कहाँ है, और उस जनरल का हार्ट एक TNT के अंदर बसा हुआ है। और जैसे ही अपन लोग उस प्रेशर प्लेट पे जाके उस TNT को फोड़ देंगे, वो मर जाएगा। लेकिन जो तो जल्दी चल प्रेशर, भाई। रुक जा भाई, इसमें भी एक ट्विस्ट है। जो आदमी उस प्रेशर प्लेट पे पैर रखेगा वो पागल हो जाएगा और एक खूंखार जानवर बन जाएगा। वो उसका बस अपने पे रहेगा नहीं, मतलब वो किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। मतलब अपन दोनों में से किसी एक की बलि। हाँ, और वो मैं हूँ, तो तू थोड़ा पीछे हटना, इसलिए मैं और जनरल साथ में ख़त्म हो जाएंगे जीवा, और इस वर्ल्ड का आज़ादी मिल जाएगी जनरल से। भाई मुझे तो बहुत याद आएगा। ठीक है जीवा, चला जा, मैं उधर जाऊंगा और हर्ट पे चला जाऊंगा। और वैसे ही तो अपने दोनों किंगडम पे राज करना, मेरी प्रजा का तू राजा बन जाना। ठीक है भाई जल्दी चल यार। और एक सेकंड, ये कौन है यार? ये, अरे ये इसके रक्षक है। जल्दी एक को रगड़ जीवा, एक को मैं रगड़ता हूँ, एक को तू रगड़। अरे भाई इसको मार देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं और है। इनको मामूली मत समझना, ये जनरल के पहरेदार हैं, तो थोड़ा सा बच अरे के भाई रहना। नेदरराइट आर्मर में भी तूने, खतरनाक आर्मर में ही अपने दो रट ले गए। अगर नॉर्मल आर्मर होता तो अभी तक तो अपनी बलि चढ़ चुकी होती, तभी तो ये वेपन और आर्मर शिवा मैं लेके तेरे आए। साथ कुछ नहीं होने दूंगा भाई। ये जीवा कैसी बाकी बाकी बातें कर रहा है, चल छोड़, मैं जल्दी से इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ इससे पहले कि जनरल आ जाए। ये तुझे बलि नहीं देने दूंगा अरे भाई। जीवा, ये तूने क्या अलविदा किया? अलविदा शिवा, हमारी दोस्ती के नाम ये कुर्बानी। जीवा ये नहीं करना था तुझे। ये क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा है? जीवा तू ठीक तो है ना भाई? मैं तो ठीक हूं पर तुझे ठीक नहीं रहने दूंगा। जीवा, इसीलिए तो मैं तुझे वहां नहीं जाने देना चाह रहा था, पर अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। कौन जीवा, कौन है, क्या कर रहा है तू, कौन है बे तू? अच्छा जीवा, तो अब तू मुझे ही भूल गया, मुझे ही नहीं पहचान रहा। खैर तेरा दोस्त नहीं है ये साला, वक्त ही कुछ ऐसा है। तो अपना काम कर, मैं अपना काम करने की कोशिश करता हूँ, चला जा। ओ बदला जिदा इंतजार सी।
अज रबायो ही दिन ना आए खोजी दा इंतजार सी अज रबायो ही दिन ना आए पड़ा मौत से पाला मेरा हो पड़ा मौत जीवा मैं यही रुक सकता हूँ तू रुकेगा रुकेगा ना भाई जीवा दुख पास रखना है हो जिस